today and discuss your progress, and we can quickly understand how we have to proceed ahead for the next 15 days. Now, it's very important that you all make a, जैसे मैंने अपने classes में भी बोला है, आइए कि जो मैंने भी recent doubt sessions रखे थे उसमें, that it's very important that you all maintain a schedule. Because honestly, what happens is that as and when we approach the exam, we get very nervous, and in that nervousness, we are not able to complete whatever we thought of, or maybe we overplan things that we'll be doing all these. तो हम वैसे नहीं कर पाते पूरा उसे, या फिर हम जो priority जिसको बोलते हैं, that priority हम लोग उस चीज को नहीं दे पाते. So it's extremely important that you all maintain a level of priority. जैसे आप लोग पढ़ रहे हो उसका एक प्रायोरिटी आपको बना लेना चाहिए, दैट दिस इज द एंटायर प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच आई बी वर्किंग एंड आई बी मेकिंग माई शेड्यूल. तो क्विकली आई विल जस्ट नोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स फॉर यू ऑल दैट कैन बी योर प्रायोरिटी. ठीक है, नाउ फॉर सी एम एंड सी एस स्टूडेंट्स जिनका पेपर ए है एंड जिनका पेपर बी है, तो पेपर ए के लिए प्रायोरिटी पे सबसे पहले है मैथ, बैक क्वेश्चंस आई विल से, ठीक है, मटेरियल के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एंड एक्स असाइनमेंट, क्योंकि एक्स असाइनमेंट से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो एक्स असाइनमेंट्स, एंड वी आल्सो हैव ऑब्वियसली आईएआई पास्ट पेपर्स व्हिच यू ऑल बीन सॉल्विंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो इसमें आप लोगों को अब जो भी डाउट्स हैं या जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस मार्क किए थे या जो भी थोड़े एक दो पेपर्स बच रहे हैं करने को, तो वो आपको करना है. आप लोगों ने रिवीजन नोट्स यानी कि आईएफओए पास्ट पेपर्स ऑलरेडी कर लिया है, सो इन केस ऑफ रिवीजन नोट्स जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के मार्क दें वो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो. प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग न्यू इन दीज 15 डेज. इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो अभी तक पढ़ा है, जो अभी तक समझा है, उसी को रिवाइज करना है. दिस टाइम इज ओनली फॉर रिविजन. इट इज नॉट एट ऑल दैट यू स्टडी और यू पिक अ न्यू थिंग, अ न्यू कॉन्सेप्ट. ठीक है, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इज क्लास नोट्स. तो जो हमने क्लास में कराया है क्लास के नोट्स, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप क्लास के नोट्स भी गो थ्रू करो. सो दिस इज वॉट आई फील should be the priority, and on a priority basis this needs to be done for pay. And this also applies to CB1 and CB2 as well. ठीक है, तो ये दोनों के लिए भी it applies कि यही order में आपको चलना है. And if you all also want, हर एक chapter के पीछे देखना एक summary रहता है, so chapter summary भी आप लोग read कर सकते हो towards the last 2-3 days जो होता है. एक क्विक रिविजन आप लोग मिल जाएगा फॉर द एंटायर सिलेबस. पेपर बी के लिए अगेन जो हमारे असाइनमेंट्स हैं जो हमने क्लास में किए हैं, वो सारे असाइनमेंट्स आपको दोबारा नहीं बनाना, जस्ट अ क्विक गो थ्रू, अ क्विक ग्लिम्स. कहीं आपको लगता है ना कि चलो ये वाला पार्ट है एक जो मुझे करके सॉल्व करके करना चाहिए आर में या एक्सेल में, तो आप उसको करके सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो. एंड अगेन वी हैव आईएआई पास्ट पेपर्स ओवर हियर. वी विल नॉट गेट अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर्स बिकॉज द एग्जाम्स स्टार्टेड फ्रॉम 2019 एंड 2020 में देयर वर नो एग्जाम्स, तो इसीलिए आपको आईएआई पास्ट पेपर्स नहीं. आई गेस 2020 में एक एग्जाम हुआ था खाली इन द मंथ ऑफ नवम्बर. उसके बाद आईएफओए के कुछ रीसेंट पास्ट पेपर्स आप कर सकते हो, लाइक रीसेंट मे बी इफ यू कैन सिट एंड ट्राई 4-5 पेपर्स यू कैन डू दैट. सो आई फील दिस इज द एंटायर थिंग. स्टूडेंट्स एडिशनली अपियरिंग फॉर CS1 एंड CS2, इनका ना एक समरी होता है पेपर बी में. सो CS1 में भी समरी है, कुछ समरी PDFs हैं विच इज अपलोडेड ऑन द ड्राइव, यू कैन गो एंड चेक एंड रीड दोस. फॉर CS2 स्टूडेंट्स हर चैप्टर के स्टार्ट में को रीडिंग है एंड हर चैप्टर के एंड में समरी है, तो वो आप लोग डेफिनेटली रीड कर सकते हो. सो दिस इज द एंटायर थिंग दैट यू नीड टू कम्प्लीट इन दीज लास्ट 15-20 डेज. वेन आई से आईएफओए पास पेपर्स, जितने कर लिए प्रैक्टिस गुड, थोड़े और करने कर लो, बट डोंट डू अलॉट, डोंट गो लाइक वेरी वेरी पीछे, लाइक 20
आई थिंक 2014-15 तक अगर आप चले जाओगे तो वो उस समय के पेपर्स थोड़े डिफरेंट भी होते थे. बट अगर टाइम है एंड मतलब अगर आप लोगों ने कर लिया है सॉल्व एंड करना चाहते हो तो करो. बट अगर आप लोगों ने नहीं किए ज्यादा पेपर सॉल्व तो आई थिंक 10 टर्म का पास्ट पेपर सॉल्विंग इज मोर देन इनफ. आपको 10 टर्म से ज्यादा का एफर्ट नहीं देना है. बट येस डेफिनेटली स्टूडेंट्स हु हैव डन इट 15 पेपर्स 20 टर्म पेपर्स इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग इट्स गुड. बट डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कि हम पूरा बनाएंगे अब बैठ के. नॉट पॉसिबल एंड ऑब्वियसली यू शुड नॉट डू इट. ओवर बर्डन की वजह से नर्वसनेस आ जाएगा एंड नर्वसनेस की वजह से आप जो है पढ़ने को वो भी नहीं पढ़ पाओगे. नोट्स जो हमने क्लास में लिखाया है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर CB1 and 2. CB2 कंपाइलर जो मैंने शेयर किया उसको रीड करना 2-3 बार एंड जो समरी वाला फाइल नोटबुक है समरी वाला कंपाइलर है उसको गो थ्रू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. CB1 के लिए अगेन मटीरियल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज द नो नॉट समरी बुक पेपर बी में CS1B में देर आर सम PDFs. Which is there in the drive. If you are not able to find it, I'll share it in the group again. No problem. But group के description में जो drive का link है, paper B में देखना, उसमें summary के कुछ PDFs हैं. तो ये आपका होना चाहिए. आज के दिन पे जिन्होंने अभी तक timetable नहीं बनाया, please sit down now, make a timetable for yourself day-wise. आज है 10th, तो 10th को अभी जितने भी थोड़े time बच रहे हैं, मुझे क्या-क्या करना है. 11th मुझे क्या क्या करना है, 12th मुझे क्या क्या करना है. ऐसे डे वाइज लिख लो कि आपको एवरीडे क्या क्या करना है. आप लोगों को पता है आप एवरीडे कितने आवर्स पढ़ते हो एंड अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकती हूँ कि मैथ का हर एक चैप्टर में किसी चैप्टर में आपको लगेगा ज्यादा किसी में कम. तो ऑन एवरेज समझ लो 2 आवर्स लगता है अगर, तो उसको कैसे एलोकेट करना है. एक दिन में मैथ का एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किया, 2 चैप्टर का कर लिया, एक आई है पास पेपर देख लिया, पेपर बी के कुछ असाइनमेंट्स देख लिए. तो मिक्स मैच करके पढ़ो, इट विल बी गुड. एंड व्हेन आई से रिवीजन नोट्स आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व इट ऑल ओवर अगेन. व्हाट आई एम ओनली सेइंग इज जो क्वेश्चन मार्क्ड है खाली वो क्वेश्चंस आपको करने हैं. हाउ टू बैलेंस 2 पेपर्स. स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2 पेपर्स तो उनके लिए इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डिवाइड योर एंटायर डे इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, पहला पार्ट जो होगा आप लोगों का उसमें आप कोई डिफिकल्ट वाला पेपर, जैसे मैं CM and CB पेपर अपीयर कर रही हूँ अगर, तो CM मैंने सुबह पढ़ लिया क्योंकि फ्रेश माइंड है तो सुबह पूरा पढ़ लिया फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ ऑफ द डे आई विल डू माई CB. अगर मैं 2 CM CS के लिए अपीयर कर रही हूँ दोनों, तो फिर आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल अपीयरिंग फॉर CM and CS1, यू नो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग विथ CS1 मे बी, तो पहले CM1 बना लिया एंड देन CS1 बना लिया. तो वैसे मैंने जैसे एक क्लास में आई थिंक बताया था पेपर ए एंड बी दोनों हैं, तो अगर आपने CM1 में पेपर ए किया है पेपर बी के, तो CB1 में CS1 में थोड़ा लाइट रख के पेपर बी कर सकते हो या खाली पेपर ए कर सकते हो, पेपर बी स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट डे वैसा वर्षा आप कर सकते हो. सो दिस इज द एंटायर थिंग. बट येस एवरी डे दोनों पेपर सॉल्व करने हैं, दोनों पेपर पढ़ने हैं. ऐसा नहीं कि आप एक दिन में एक ही पेपर पढ़ो, not making any sense as well, right? So this is another thing which you need to keep in mind. Also, one very important thing is that please maintain a sleep routine. Aap log jaldi so, subha jaldi utha, whatever sleep routine you are comfortable with, make sure you follow that. Also, aapka kya exam timing hai? So some students have a day exam. Day exam walo ka jo hai, I think 2 o'clock se hai, aisa kuch hai timing. To jinka day exam hai, make sure आप उस समय नैप मत लेना, बिकॉज अब लास्ट के जो 15 डेज बचे आपका जो बॉडी क्लॉक है वो वैसे ही वर्क करने लग जाएगा. एग्जाम में हो सकता है आपको नींद आए, तो अपने बॉडी को अभी से वैसा क्लॉक कर लो कि उस समय मैं आई सिट एंड स्टडी, तो मेरा दिमाग जो है ना वो उस समय चलना स्टार्ट हो जाएगा एंड एग्जाम में उस समय मुझे दिक्कत नहीं आएगी. क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्ली राइजर्स होते हैं, सुबह पढ़ते हैं, दोपहर में मे बी सो जाते हैं, शाम को दोबारा पढ़ते हैं, वॉट एवर. तो वो शेड्यूल आप नहीं फॉलो कर सकते. आप क्या कर सकते हो, आप सुबह उठो, आप पढ़ो अच्छे से एंड लाइक पूरा शाम तक पढ़ के शाम आप थोड़ा ऑफ ले लो एंड देन यू स्लीप अर्ली, वट एवर. सो मेक श्योर यू मेंटेन दैट काइंड ऑफ शेड्यूल सो दैट यू आर अवेक इन दोज एग्जाम ड्यूरेशंस. ऑलराइट, ऑल्सो टेबल बुक आपको अलाउड है तो मेक श्योर आप टेबल बुक अच्छे से यूज करना समझ जाओ. कैलकुलेटर आपको अलाउड है. टेबल बुक में मेक श्योर यू रिमेंबर द पेज नंबर्स, यू विल हैव टू मेंशन इट इन योर पेपर एंड अलोंग विद दीज ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप जब एग्जाम के लिए बैठ गए, ठीक है, जब आप एग्जाम के लिए बैठ गए तो
तो उस समय आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन मुझे आता है वो मैं पहले अटेम्प्ट करूं. सो इफ देर आर 10 questions विच आर देर, तो वो 10 questions आप जैसे आई एम क्विकली लाइक टेक अ 5 minutes ऑफ टाइम, गेट योर सेल्फ अकस्टम्ड टू जस्ट क्विकली टेक अ 5 to 10 minutes, रीड कर लो पेपर. ठीक है, सो वेन वी यूज टू गिव एग्जाम्स वी यूज टू हैव रीडिंग टाइम, जो अभी हट गया है, बट हमारे टाइम पे रीडिंग टाइम होता था आई थिंक 5 to 10 minutes का. जब वो लिखने मना करते थे वो खाली रीड करने बोलते थे, तब हमें लगता था कि क्या है, बट एक्चुअली लेटर ऑन आई रियलाइज दैट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट योर पेपर, बिकॉज यू इन योर माइंड यू प्लान योर एंटायर 3 hours 20-15 minutes वट एवर यू हैव कि 10 questions मैंने रीड कर लिया, मुझे पता है कि इस टॉपिक से आ चुका है क्वेश्चन. तो जिस टॉपिक में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ऑल्दो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन प्रोजेक्ट अप्रेजल और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन बेजियन स्टैटिस्टिक्स और वट एवर इज द टॉपिक, बट थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, आई विल बी एबल टू हैंडल इट, सो लेट मी डू इट फर्स्ट. आई एम डूइंग इट फर्स्ट, अगर मुझे बीच में मैं स्टक हो रही हूँ, आई विल नॉट बी स्टक इन इट फॉर मोर देन 2-3 minutes, क्योंकि अगर अभी दिमाग में वो चीज आपके नहीं आ रहा है तो आई एम टेलिंग यू वो दिमाग में अभी नहीं आएगा. वॉट यू हैव टू डू इज ट्रिक योर माइंड. हम अपने माइंड को कैसे ट्रिक करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी चीज के बारे में जब बहुत एक्सट्रीम सोचते हैं तो उस समय ना वो हमें स्ट्राइक नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मुझे याद है मैंने ये फंक्शन बहुत अच्छे से याद किया था, बट अभी क्यों नहीं याद आ रहा है, एंड आप उसको सोचे जा रहे हो, आपको नहीं याद आएगा. यू हैव टू ट्रिक योर माइंड, यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड टू सम अदर क्वेश्चन, एंड जब आप उस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तब देखना आपको वो वाला फंक्शन याद आ जाएगा. दैट इज हाउ योर माइंड वर्क्स. तो जिस पे बहुत एक्सट्रीम प्रेशर देते हैं, बहुत बार वो चीज आपको नहीं याद आता, स्ट्राइक नहीं होता, बट जैसे ही उसको माइंड से निकाल देते हो वैसी वो चीज आ जाते हैं माइंड में. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम में ये प्रोसेस फॉलो करो. सी, एक स्टूडेंट होता है जो बहुत अच्छे से पूरा पढ़ लेता है, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता है, एंड एक होता है स्टूडेंट जो एग्जाम अच्छे से देता है. तो ये जो एग्जाम देना, दिस इज अ आर्ट, लाइक गिविंग एन एग्जाम इज एन आर्ट. यू नो, यू विल नेवर लाइक व्हेन आई विल टॉक इन अ वेरी यू नो पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं बताती हूँ. व्हेन आई इन माय कॉलेज क्लियर्ड 8 papers, तो मैंने अपना CT7 में आई गॉट AIR 1 फ्रॉम IAI, ठीक है. आई स्टिल रिमेम्बर जिस पेशेंस एंड जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपना CT7, which is now CB2 का एग्जाम लिखा था. आई डोंट थिंक उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एक भी एग्जाम अभी तक दिया है. इवन नाउ व्हेन आई गेव माय लास्ट पेपर, तो आप लोग सोचो मैंने इतने एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिए ना, आप लोगों का मे बी ये सेकेंड पेपर थर्ड पेपर या जो भी है, मैंने इतने एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिए हैं, बट स्टिल इन दिस एग्जाम आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट एज आई वॉज कॉन्फिडेंट इन माई. आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज CT7 आई ओनली स्टडीड इट फॉर लाइक 1-1.5 months, बट एग्जाम वाले दिन आई डोंट नो वाई आई हैड दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो भी मैं कर रही हूँ इट्स करेक्ट, एंड विथ वेरी मच काम पेशेंस. कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था नहीं स्ट्राइक हो रहा है, लेट्स डू इट बाद में. कुछ MCQ जो मुझे देखते ही लगा कि यार इसका आंसर नहीं आ रहा, मैंने एक बार स्मार्टली ABCD में से B लिख दिया या C लिख दिया, कुछ भी लिख के छोड़ दिया कि इफ आई एम नॉट एबल टू कम बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन, एटलीस्ट हो सकता है कि वो राइट हो जाए. तो ये मैंने मेरे लिए आई थिंक, क्योंकि मैंने MCQ बहुत प्रैक्टिस किया था, तो MCQ ऐसे 3-4 ही थे, 2-3 ही थे जिसमें मुझे थोड़ा डाउट लगा था, बट अदरवाइज जिस मतलब बिकॉज आई वॉजेंट अफ्रेड टू फेल, बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि मैंने 1-1.5 months, मेरे को एक्चुअली मैंने CT7 CT5 के साथ दिया था, तो CT7 मैंने एकदम बाद में रजिस्टर किया था कि चलो दे देते हैं एक और पेपर. तो उस समय आई हैड दिस एट द बैक ऑफ द माइंड कि चलो अगर फेल हो भी गए तो कुछ नहीं, नेक्स्ट टर्म दे देंगे, इट्स फाइन, एक अटेम्प्ट ले लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है, पढ़ के दे देते हैं. तो ये था मेरे माइंड में, मतलब आई नेवर हैड दिस इन माई माइंड कि पेपर क्लियर करना है, नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा, पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, मेरे फ्रेंड्स में से आगे निकलेंगे, ये कुछ भी नहीं था. पहले से ही था कि चलो जो होगा देखा जाएगा, जस्ट टेक एन अटेम्प्ट. एंड जब ये दिमाग में डाल लोगे ना ये चीज, ट्रस्ट मी वो एग्जाम आपका निकलेगा, बहुत अच्छे से निकलेगा. बिकॉज दिस हैज हैपेंड टू मी इन CT7 एंड ऑल्सो इन CT8. आई गेव माई CT8 फ्रॉम IAI एंड IFOA बोथ.
जब मैंने आईए का एग्जाम 1 महीना पहले था, पहले 1 month पहले होता था, 1 1.5 months पहले था, एंड आईएफओए का बाद में था. सो आई वाज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड इन माय माइंड, आईएफओए से क्लियर करना है मुझे, आईए का देखा जाएगा, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द पेपर्स आईएफओए से ही क्लियर थे. बट स्टिल बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर अपियरिंग फ्रॉम आईए, दे टोल्ड मी तुम भी कर लो, चलो हम करते हैं. तो ठीक है, मैंने आईए से रजिस्टर किया. प्रवीण सर ऑल्सो आस्क्ड मी टू रजिस्टर, आई रजिस्टर्ड इट. तो मैं उस समय बहुत वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी फॉर द एग्जाम, बट थैंकफुली मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स काम आ गए उस समय, एंड आई क्लियर्ड, मैनेज टू क्लियर द पेपर. बट व्हेन आई सैट फॉर द एग्जाम अगेन, यही एटीट्यूड था कि जो आ रहा है उसको अच्छे से करना है, मेरा 100% देना है, रिजल्ट जो भी आए नहीं सोचना, आईएफओए से तो देना ही है, आईएफओए से क्लियर करेंगे. आईए का एग्जाम दैट ईयर आई थिंक मार्च 2018, नॉट एग्जैक्टली आई रिमेंबर द टर्म, there were only 10 to 12 students who cleared. I think 10% ही result था, बहुत कम, 10% भी नहीं था यार, बहुत कम result था, मतलब percentage, pass percentage बहुत कम था, and only 10 to 12 students cleared. I was one of them, my friend also cleared, and like I was very happy now कि भाई मतलब CT7 में rank आना was way behind than clearing CT8 from IIM, because that was actually a very big thing at that point of time, clearing CT8 from IIM. And in fact, IFOE ke jis din exam tha CT8 ka, I got very stressed up ki yaar IIM ka to pata nahi dicey hai, mujhe IFOE se to nikalna hi hai. And actually I screwed my exam to some extent. I cleared although at the end, but still I screwed to some extent ki mujhe jo sum aata tha na, wo bhi main nahi kar pai IFOE mein. And IIM mein jo sum mujhe nahi aata tha, mujhe to difficult tha, wo main bana pai. To mindset, ye jo pura kahani maine sunaya hai, माइंडसेट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट गाइज, प्लीज मेक श्योर ये जो लास्ट 15 डेज है, जितना काम हेडेड रहोगे, जितना काम हेडेडली एग्जाम दोगे, आई ऑलवेज से एग्जाम देना इज एन आर्ट, बिकॉज वो आर्ट जो मेरे में पहले था, आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट नाउ आई गेट मोस्ट स्ट्रेस्ड इन माई एग्जाम्स, बिकॉज अब मेरे मन में पता है क्या आ गया, अब मुझे निकालना है, माई फ्रेंड्स आर क्लियरिंग द एग्जाम्स, अब मुझे निकालना है. ये चीज जब आ गया, ये एक पॉइंट पे आएगा आपके दिमाग में, ठीक है, आता है, मेरे में भी आया था, अब नहीं है ऑब्वियसली ये चीज, बट एक पॉइंट पे 1 or 2 years बैक दिस केम, दिस लाइक स्टक इन माई हेड दैट पीपल आर क्लियरिंग एग्जाम्स मेरे से जूनियर्स, उनका निकल रहा है यार, मेरा क्यों नहीं निकल रहा, एंड और गंदा परफॉर्म कर रही थी मैं. बट अब यू नो लास्ट 1 year से, 1 1.5 year से, वेन आई जस्ट थॉट ऑफ इट की सबका अपना जर्नी है, लेट्स बी फाइन विथ इट, आई विल बी एबल टू डू इट. एंड एक्चुअली मैंने इतने अच्छे से सारे एग्जाम्स फिर अभी रिसेंटली एक दो टर्म में निकाले. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट माइंड सेट फ्रॉम डे वन. एंड आई एडमायर पीपल जिनका बहुत ज्यादा ऐसा काम माइंड रहता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ना अपने लाइफ में बहुत एक्सेल करते हैं. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, बींग वेरी यू नो ऑनेस्ट विथ यू, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज inculcate this habit that please be kind, calm minded. देखो एक घर का प्रेशर रहता है कि ना घर पे इफ यू आर नॉट वर्किंग तो आप मम्मी पापा का पैसा, गार्जियन का पैसे, उससे आप पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो. बट कभी भी कोई भी आपका जो नियर डियर वन है वो ये नहीं चाहेगा कि आप प्रेशर में रहो, ठीक है, कोई नहीं चाहेगा. सो मेक श्योर कि अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, कोई आपको ये नहीं बोलेगा आपके घर पे एटलीस्ट कि यार ये फेल हो गया, नहीं बोलेगा कोई, ट्रस्ट मी. आप क्या अपने बच्चों को कभी बोलोगे कि दे फेल्ड? नहीं. सो इट्स फाइन, फेलिंग इज फाइन, बट ये जो 15 डेज है, पावर पैक रहना है, एनर्जी रखना है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, टेक अ वेरी वेरी गुड स्लीप, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्लीपिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई हैव चेंज्ड माय शेड्यूल, आई स्लीप एट 10, 10:30, आई गेट अप एट 6 o'clock, 5:36. It works wonders on your body. Do that. Eat properly. बाहर का खाना मत खाओ यार, बहुत गंदा है. घर पे खाओ and पानी पियो अच्छे से. ये सब चीजें से आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपके आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, ठीक है. सो दीज आर द फ्यू बेसिक टिप्स जो मुझे आप लोगों को देना था. बी वेरी रिलैक्स, डोंट कंपेयर योर सेल्स विथ योर अदर फ्रेंड्स जिन्होंने 20 पास्ट पेपर्स कर लिए. आई एम स्टिल एट 10th पास्ट पेपर, इट्स इनफ, इट्स फाइन. सॉल्विंग 500 क्वेश्चंस इज नॉट गुड, सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस विद अ गुड कॉन्सेप्ट इज व्हाट आईआई एंड इनफैक्ट एवरीवन डिमांड्स फॉर.
ठीक है, नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, क्विकली आस्क योर क्वेश्चंस एंड वी एंड द सेशन इन 5 मिनट्स. एनी क्वेश्चन, एनी थिंग, एनी थिंग यू वॉन्ट टू शेयर पर्सनल? मैंने बहुत सारे पर्सनल चीजें शेयर किया आप लोगों से. एनी थिंग? नो, ऑल गुड. मैम, व्हाट विल बी द इंटरफेस ऑफ एग्जाम फॉर CM1 पेपर ए एंड CM1 पेपर बी? पेपर ए इज रिटन, हार्ड कॉपी रिटन आप लोग को पेपर मिलेगा, आपको लिखना है. एग्जाम हॉल में आप लोग खाली पेन, ट्रांसपेरेंट पाउच कैरी कर सकते हो, ठीक है? उसमें पेन वेन जो पेंसिल आपको जो जो चाहिए रख लेना, बट पेंसिल से कुछ लिखना नहीं, क्योंकि पेंसिल से नहीं लिखते एग्जाम में. वी यूज अ पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, सॉरी नॉट रेड, ब्लैक या ब्लू. जेल मत यूज करना, डॉट पेन यूज करना. स्केल वेल जो लेना है ले लो अगर लेना है तो, एंड कैलकुलेटर एंड टेबल बुक नहीं, टेबल बुक दे गिव यू. ये हो गया पेपर ए. पेपर बी का उनके प्लेटफॉर्म पे, मतलब उनके लैपटॉप, उनके कंप्यूटर्स पे होगा एग्जाम. तो आपको जाना है उनके कंप्यूटर पे, आपको एक्सेल खोलना है, एग्जाम देना, सेव करना है, सबमिट करना है, दैट्स इट. रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि मतलब 5 मिनट्स पहले ही सेव करके क्लोज करनी है फाइल, जैसे आईफोन में जैसे होता है? नहीं, इसमें एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट सेविंग योर वर्क. मतलब एवरी क्वेश्चन के बाद एवरी 10-15 मिनट्स यू शुड सेव योर वर्क. दैट यू शुड डेफिनेटली डू ऑन योर पार्ट. बट वो बोल देंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में कि अब आप लोग सेव कर दो, सबमिट करना स्टार्ट करो. वो बोल देंगे आपको, दे विल गाइड यू इन द एग्जाम, जो एग्जामिनर्स होंगे, इन्विजिलेटर्स होंगे. सॉल्विंग 2019 ऑनवर्ड्स इट्स फाइन. 10 टर्म्स आ रहेंगे, 2019 के दो, 2020 के एक, 21 के दो, 2022 के दो, 23 का एक. 8 पेपर्स हैं, इट्स गुड इनफ. दो पेपर और सॉल्व कर लो. 10 का टारगेट रखना चाहिए हमें, तो 10 का टारगेट मेंटेन करो, ठीक है? 10 इज गुड इनफ. एज आई मेंशन मुस्कान, 2 पेपर्स को कैसे बैलेंस करने, डिवाइड योर डे इनटू 2 पार्ट्स. नोट्स रीड फॉर CB2, कंपाइलर रीडिंग करो बहुत अच्छे से. जितना कंपाइलर रीडिंग करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एंड IEI के पेपर्स CB2 में एक अमृत की तरह है, बिकॉज मैंने तो बहुत IEI पेपर सॉल्व किया था. तो IEI के पेपर्स सॉल्व करो. सेम अप्लाइज फॉर CB1. आपको मैथ को रेफर करना है, क्योंकि मटेरियल में ही सब कुछ है. एंड ऑब्वियसली आपको पेपर्स, पास्ट पेपर्स IEI के सॉल्व करने. अदरवाइज इफ यू सी रिविजन नोट्स, अगर आप स्किप करोगे IFOA का फॉर CB1 CB2, इट्स कम्प्लीटली फाइन. IEI पेपर्स आर लाइक मोर देन इनफ फॉर बोथ CB1 एंड CB2. ओके, हाँ बोलो, हाँ बोलो. एक्सेल शीट्स में लाइक क्वेश्चन के स्प्रेडशीट्स बने रहे होते हैं, अगर एक जरूरत पड़ा तो हम लोग उसमें खुद से ऐड कर सकते हैं? आप एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, नो इश्यूज, कर सकते हो. नो दिशा, आई विल सजेस्ट CM2 में मेरा, जब मैंने CT8 दिया था IAS से, 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली मटेरियल से थे, एक्स असाइनमेंट, एंड आई एम वेरी मच बायस्ड. एंड मैंने Yeah, I know it's CS1, but it's IEI, no? So I'm very much biased that they tend to give questions from material indirectly. You should do it. And yaar, CS1 mein to 16 chapters hi hain, to kar loge. Ek din mein 2 chapter kara, 8 days nikal gaya. Kab 8 days nikla pata hi nahi chala. And do chapter ke questions banane mein aapko hardly 3 hours lagenge every day. Ab dobara se past papers jo karoge, usse acha past papers mein jo jo aapne questions mark kiye hue hain, wo kar lo na dobara, jo aapne mark kiye hi honge padhte samay. Agar nahi bhi kiye to past papers bhi karo simultaneously, so kam time do. Dekho, kar to rahe ho na, kuch to padh hi rahe ho, aisa to nahi khali baithe ho. But do it. Okay ma'am. See, Muskan, you will tend to forget because बहुत CB1 CB2 बहुत vast है, तो आप भूल जाओगे. But आप at least जब आप practice करो ना IEI के past papers, तो make sure जो question आ रहे हैं उसमें खुद से पहले सोचो कि 5-6 points ये होंगे, and फिर answer को refer करो. आप देखना most of the common things आपको मिल जाएगा. तो definitely पूरा तो आप नहीं रट पाओगे, but to some extent, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार read करो कि 80-70% आपको exam में याद रहेगा, ठीक है? मैम, CM1B में हम लोग रफ पेपर लेके जा सकते हैं? मोस्टली लेके जा सकते हो. अगर देखो, नहीं देखो, दे गिव यू द रफ पेपर. हाँ, IEI में दे गिव यू द रफ पेपर. मैंने जब IEI का भी दिया था लास्ट, दे गिव यू द रफ पेपर. ले जाओ अपना खुद का. अगर नहीं होगा तो वो अपने पास रख लेंगे ना, क्या होगा, वो तुम्हें लेके नहीं जान देंगे, अपने तरफ से दे देंगे पास पेपर, सॉरी रफ पेपर. और मैम, जैसे जो अभी IEI के रिवीजन नोट्स थे, मतलब जो पास्ट पेपर्स वाले थे,
तो लाइक वो अगर हो गए हैं तो हम लोग पूरा पास पेपर एक अलग से ऐसे बनाए विद इन द टाइम पीरियड. हाँ अगर वो करना है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, मॉक देना इज अ वेरी गुड थिंग, मॉक देते रहो, ओके ओके उससे आपको पता भी चलेगा ना कि एक प्रोसेस ऑफ गिविंग एग्जाम क्या होता है, कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कैसे इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो स्किप करके आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें भी आपको समझ आएंगी. बिस्मा आई विल से वर्क लाइफ एंड स्टडीज मैनेज करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, आई नो इट, बट आपको एक शेड्यूल अपने मन से बनाना है, आपका वर्किंग आवर्स जैसा भी है उसके, अगर आपका 10 o'clock 11 o'clock वट एवर इट स्टार्ट फ्रॉम, मेक श्योर सुबह में आप पढ़ लो, क्योंकि रात में आपके पास एनर्जी नहीं है. इफ यू आर स्टडिंग फॉर सी एम और सी एस एनी सच, पेपर ए सुबह कर लो, पेपर बी शाम को करो, एंड सैटरडे संडे तो आपको छोड़ना ही नहीं है, पूरा एकदम सुबह से रात पढ़ो सैटरडे संडे, एंड वीकडेज में जो भी टाइम मिल रहा है सुबह का एंड रात का वो मैनेज करो. वर्क के बीच में कभी टाइम मिलता है तो अपने फोन पे पीडीएफ देख लो, रफ इसके समरी के, पेपर बी के जो समरी पीडीएफ है वो समरी आप गो थ्रू करते रहो वर्क के बीच में, तो क्या आपका कुछ कुछ रिविजन चलते रहेगा काम के बीच में भी. एंड मॉर्निंग एंड राइट नाइट, नाइट में अगर आप पेपर बी लोगे थोड़ा इजियर पड़ेगा, मॉर्निंग में आप पेपर ए संभाल सकते हो, बट वो जो शेड्यूल है वो आपको खुद को समझना है व्हाट वर्क्स गुड फॉर यू. बहुत लोग रात में प्रेफर करते हैं तो बहुत लोग रात में पढ़ते हैं, फॉर मी मॉर्निंग वर्क्स, आई यूज टू स्टडी इन मॉर्निंग, सो वट एवर सूट्स यू यू नीड टू ट्राई एंड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड बीच में एक ब्रेक ले लेना ऑन वीकडे वीकेंड सॉरी 2-3 hours का, मे बी संडे इवनिंग, तो एक माइंड फ्रेश रहेगा विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस. ठीक है. ओके थैंक यू. आर प्रोग्रामिंग में लोग मतलब एक स्क्रिप्ट में ही वर्क करते हैं या फिर वी क्रिएट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स फॉर डिफरेंट क्वेश्चन. यू कैन क्रिएट स्क्रिप्ट्स, यू कैन क्रिएट बिकॉज वर्ड ही सबमिट करना है आपको, वर्ड फाइल सबमिट करना है. अच्छा तो एक क्वेश्चन उसके सब पार्ट एक स्क्रिप्ट में, बाकी क्वेश्चन ओके. मैट और समरी बुक में ऑलमोस्ट सेम होता है, तो अगर मैट कवर कर लेंगे तो समरी बुक करने की जरूरत है? नहीं तब आप स्किप कर दो, अगर टाइम नहीं है स्किप इट. ठीक है चलो, गुड टू मीट ऑल ऑफ यू, कुछ भी क्वेश्चंस है यू ऑल कैन शेयर इट विथ मी, एंड यस ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर नाइसली एंड कीप अ वेरी काम माइंडसेट. ओके या बाय बाय.